ये बाउंस करे वाला स्पॉन्जी बॉल विज्ञान के अपने प्रयोग में काम आई और बहुत अच्छा खिलौना भी हवे। अब एगो स्पॉन्जी बॉल या क्रेजी बॉल लें और सुई के द्वारा एगो धागा उनमें से डाल के आर पार निकाल लें, लेकिन ये धागा के दूसरे छोर पे गांठ रहे, ध्यान दें ताकि ये धागा पूरी तरह ना निकले और बॉल में लटकल रहे। यही तरह सुई के द्वारा ये धागा दूसरे बॉल में से निकाल लें और ओकरे दूसरे छोर पे निकलल भाई गांठ मार लें। ऐसा हम लोग बहुत सारा जोड़ी बना सके नीजा, हल्का और भारी बॉल का आप लोग देख सके नीजा कैसन जोड़ी है वे सब। अब एगो समान वजन और आकार वाला जोड़ी लें बॉल का और ओके लटका लें और ओकरे बाद आप लोग ओके छोड़ के देखें, आप लोग देख सके नीजा कि बॉल जब टकराए ना तो उतने ऊपर नीचे होत रहे ना, ये दोनों बॉल आप लोग देख सके नीजा कि एक समान एक जैसन ऊपर और नीचे हो ना। लेकिन ऐसा हम लोग अगर एगो भारी और एगो हल्का गेंद से करन जाए तो आप लोग देख सकनी जा कि हल्का वाला गेंद ज्यादा ऊपर जाला और भारी वाला ना जाएला। अब तीसरे प्रयोग में हम लोग एगो भारी स्पॉन्ज बॉल ले जा और एगो हल्का टेबल टेनिस वाला पिंग पोंग बॉल ले जा। अब अगर हम लोग पिंग पोंग बॉल छोड़न जा तो आप लोग देख सकनी जा कि ये हल्का वाला बॉल ज्यादा ऊपर जाएला लेकिन भारी वाला ना जाएला उतना ज्यादा ऊपर। ऐसे हम लोगों के गति या बल का संरक्षण समझ में आएला, एक अंग्रेजी में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहल जाला।